अच्छा, तो इस लेक्चर में हम थ्री फेज एसी सिंक्रोनस जनरेटर पे बात करेंगे और एक ऐसे फिनोमेना को देखेंगे जिसे हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन हमें उस वक्त नजर आता है जब हम एक थ्री फेज एसी सिंक्रोनस जनरेटर को लोड कर देते हैं। लोड करने का मतलब है कि जब आर्मेचर वाइंडिंग्स में एक करंट गुजर रहा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग्स में एक करंट आई आई एस या आई ए लिख देते हैं आर्मेचर के लिए। तो अगर मैं एक थ्री फेज एसी सिंक्रोनस जनरेटर का क्रॉस सेक्शन बनाऊं जो ऐसा नजर आता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ये एक फेज वाइंडिंग है, यानी अगर एक वाइंडिंग ऐसी नजर आती है यूं, तो अगर ये उसका टर्मिनल, ये उसका ए है और ये उसका ए प्राइम है, तो मैंने यहाँ पर वो ए और ए प्राइम बनाया। तो उसी तरह एक दूसरा फेज बी प्राइम यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा और एक सी यहाँ पर होगा, सी प्राइम यहाँ पर होगा, सी यहाँ और सी प्राइम यहाँ पर है। अब हमें यह पता है कि हमारे पास थ्री फेज एसी सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो रोटर से बाहर आ रही होती है। तो अगर मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे बनाऊं कि सपोज वो भी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मेरा रोटर मैग्नेटिक फील्ड बी आर इस डायरेक्शन में, तो जो मेरी एक फेज पर मैक्सिमम इंड्यूस होने वाली वोल्टेज होती है उसे हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज, जिसे हम ई ए से इंडिकेट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है एन फाई ओमेगा। ये मेरी इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज है, इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज। ई ए की डायरेक्शन और बी आर की डायरेक्शन सेम होती है यूं, ई ए मैक्सिमम, सॉरी ई ए मैक्सिमम की डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में बी आर पॉइंट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में ई ए मैक्स की डायरेक्शन भी होती है। अगर ई ए मैक्स की डायरेक्शन ये होती है और मैं ये कहूँ कि मैंने एक लोड कनेक्ट किया हुआ है इस आर्मेचर, इस अपने वाइंडिंग, अपनी वाइंडिंग पर एक लोड कनेक्ट किया हुआ है, इस मशीन को लोड किया हुआ है, और मैं अगर ये अज्यूम कर लूँ कि जो लोड मैंने कनेक्ट किया है वो एक लैगिंग लोड है, लैगिंग लोड, तो लैगिंग लोड का मतलब ये होगा कि मेरी जो आर्मेचर वाइंडिंग्स में करंट गुजरता हुआ जा रहा है वो लैग कर रहा होगा बिहाइंड ई ए मैक्स बाय सम एंगल। तो सपोज वो आई ए मैक्स की डायरेक्शन ये है, ये मैंने वो आई ए मैक्स की डायरेक्शन बनाई है ऐसे, ये आ गई मेरी आई ए जो आर्मेचर में जाता हुआ, जो आर्मेचर वाइंडिंग्स में जाता हुआ करंट है, वो आई ए मैक्स की डायरेक्शन मैंने यूं बना दी है। अगर आई ए मैक्स की डायरेक्शन मैंने यूं बना दी है तो एक चीज हमें यहाँ पर एक नई देखने को मिलेगी, वो ये कि सपोज अगर मेरा जो रोटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो इसका मतलब है बाय रिलेटिव मोशन मेरा ई मेरा जो स्टेटर है, मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है वी क्रॉस बी जो है इट विल बी पॉइंटिंग आउट फ्रॉम द प्लेन। अगर वी क्रॉस बी जो है इट इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, अगर ये आउट ऑफ द पेज पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे ए ए ए वाले टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज इंड्यूस होगी वो पॉजिटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा ए प्राइम टर्मिनल है, मैं ये कह सकता हूँ। बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मेरे ए आई ए मैक्स की डायरेक्शन ये है जो आपको ये सामने नजर आ रही है जो मैं इसको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो जो मेरा करंट है वो इस साइड से इस साइड से बाहर आ रहा होगा और उसके ऑपोजिट वाले टर्मिनल के अंदर जा रहा होगा। ये आई ए मैक्स की बात हो रही है कि वो ऊपर वाले टर्मिनल से जिस तरफ आई ए का एरो पॉइंट कर रहा है वहां से बाहर आ रहा है और नीचे वाले टर्मिनल के अंदर जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी करंट की डायरेक्शन इस तरह की बन रही है यूं, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी ये, और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में गुजरने वाले करंट की वजह से इंड्यूस हो रही है, तो मैं इसको बी एस कहूंगा और इसको मैं वापस यहाँ लाकर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ये आ गई मेरी बी एस की डायरेक्शन, ये मेरी बी एस की डायरेक्शन आ गई है। अगर मेरी बी एस की डायरेक्शन अगर मेरे बी एस की डायरेक्शन यूं आ गई है, तो मेरी स्टेटर वाइंडिंग्स में चूंकि एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टेटर में एक और वोल्टेज इंड्यूस होगी जिसे हम कहते हैं ई स्टैट से इंडिकेट करते हैं ऐसे, ई स्टैट। अब अगर आप गौर से देखें तो जो मेरा ई स्टैट है बिकॉज ऑफ राइट हैंड रूल, क्योंकि ई स्टैट और बी एस सेम डायरेक्शन में है एंड बी एस एंड आई ए मैक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिहाजा ई स्टैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आई ए मैक्स, और ना सिर्फ ये परपेंडिकुलर है बल्कि मेरा ई स्टैट 90 डिग्रीज लैग कर रहा है आई ए मैक्स को। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो मेरा ई ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ई ए नहीं है, ई स्टैट है, ई स्टैट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है जो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग्स में करंट गुजरता हुआ जा रहा है। और सेकंड चीज मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ई स्टैट, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कि ई स्टैट लैग्स बिहाइंड
आई आर्मेचर वाइंडिंग्स में जाने वाला करंट बाय 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ई ए ई स्टैट और आई ए को अगर मैंने खाली इनके मैग्नीट्यूड्स को रिलेट करना है तो मैं लिख सकता हूँ इस रिलेशन से इज इक्वल टू सम एक्स टाइम्स आई ए, एक चीज। और मैं इस दूसरे वाले पॉइंट को देखते हुए कि चूंकि ये लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, तो मैंने ई ए और आई ए अगर फेजर अज्यूम करने तो मुझे पता है कि अगर मुझे एक फेजर को इस पॉइंट से 90 डिग्री पीछे की तरफ घुमाना है तो मैं इस वाले फेजर या अगर मैंने पीछे की तरफ घुमाना है तो मैं सिंपली माइनस जे पाई बाई टू ई रेस्ट पर माइनस जे पाई बाई टू से उस फेजर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ ई ए जो फेजर होगा दैट विल बी इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस जे पाई बाई टू एक्स सॉरी एक्स आई ए। इसको देखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये पता है कि ई रेस्ट पर माइनस जे पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस जे, तो मैं सिंपली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू माइनस जे एक्स आई ए। ये जो भी एक नई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट हुई है इस मशीन के बी एस, इसकी वजह से जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड थी वो इफेक्ट होगी। इफेक्ट क्यों होगी, क्योंकि अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मशीन है वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम का क्या मतलब है कि अगर मेरी बी आर यूं ऊपर की तरफ थी, यहाँ बी आर वेक्टर है, और मेरा बी एस अगर इस डायरेक्शन में था तो मेरी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यानी इस तरह की चीज बनेगी, ये मेरी बी नेट होगी। आपने देखा कि जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड थी इस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिस्टॉर्ट हुई है और मेरे पास मशीन के अंदर एक नई मैग्नेटिक फील्ड बी नेट जनरेट हुई है। ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड है इस इफेक्ट को हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि आर्मेचर ने रिएक्ट किया है उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जिसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग्स में करंट फ्लो कर रहा था। इस इफेक्ट को हमने कह दिया कि यह है आर्मेचर रिएक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो फेज पे आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट होगी उस वोल्टेज पर इस आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा। वेल एक चीज हमें ये अंदर नजर आ रही है कि जो हमारा असली जो मशीन थी उस पे जो वोल्टेज ई ए जनरेट होनी चाहिए थी उस ई के साथ ये ई स्टैट एक दूसरी वोल्टेज भी इंड्यूस हुई है, दोनों स्टेटर वाइंडिंग्स के ऊपर ही हुई है। इसका मतलब है मैं सिंपली एक चीज तो लिख सकता हूँ कि जो मेरे फेज पर नजर आने वाली वोल्टेज होगी वो ई स्टैट और ई ए का जो मेरी इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज है उन दोनों का फेजर सम होगा। और अभी मैंने देखा है कि जो मेरे पास बी रोटर मैग्नेटिक फील्ड है वो और बी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड दोनों फेजर उसी तरीके से ऐड होते हैं, फेजर्स ऐड हो जाते हैं और इन दोनों का सम जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये हो गया आर्मेचर रिएक्शन। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे ही आप मशीन को थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर को लोड करते हैं तो उसकी स्टेटर वाइंडिंग्स के अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और अगर वो लोड अगर लैगिंग लोड हो तो हम देखते हैं कि जो स्टेटर वाइंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो रोटर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देती है और हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और हम देखते हैं कि जो हमारी फेज पर जो हमें आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज मिल रही होगी वो अब इस स्टेटर पर इंड्यूस होने वाली नई वोल्टेज और ई ए का फेजर सम होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस फिनोमेना को एक सर्किट से मॉडल किस तरीके से करेंगे ताकि हम इसको सर्किट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकें।